पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग रहते हैं। इनमें बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ठंड का मौसम पसंद है तो गर्मियों का नहीं, और गर्मियों का मौसम पसंद है तो ठंड का नहीं। लेकिन करे तो क्या करे, आखिर नेचर के आगे किसकी बस चली है। पृथ्वी के अलग अलग भाग में अलग अलग मौसम होता है, कहीं पर सिर्फ गर्मी ही पड़ती है तो कहीं पर सिर्फ सर्दी ही होती है। आज का वीडियो है दुनिया के 10 सबसे ठंडे देश के बारे में, अबाउट टॉप 10 कोल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इन देशों में ठंड इतनी पड़ती है कि यहाँ के लोगों का जीवन आसान नहीं होता है, यहाँ हर वक्त बर्फ की चादर ही बिछी रहती है। तो आइए जानते हैं इन 10 देशों के बारे में। दुनिया के 10 कोल्डेस्ट कंट्री की गणना करने का 2 मेजर मोड्स है। एक है प्रत्येक कंट्री के अब तक रिकॉर्डेड कोल्डेस्ट टेम्परेचर के आधार पर, और दूसरा देशों के अर्ली एवरेज टेम्परेचर के आधार पर। यह लिस्ट बेसिकली वर्ष के एवरेज टेम्परेचर के आधार पर है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। दुनिया का सबसे ठंडा देश कौन सा है? अगर आप बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि धरती का सबसे ठंडा देश 7 पोल पर स्थित अंटार्कटिका है। हालांकि अंटार्कटिका एक देश नहीं बल्कि महादेश है, इसलिए हमने इसे इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। लेकिन दुनिया का 10 सबसे ठंडा देश कौन सा है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है इस्टोनिया। इस्टोनिया यूरोप के पूरे उत्तर में रशिया से सटे एक छोटा सा देश है। समर के मौसम में इस देश का एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं ठंडी के दिनों यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर -8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। भीषण ठंड पड़ने के कारण यहाँ टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इस्टोनिया में ठंड इतनी होती है कि यहाँ के लोगों को सर्दियों से बचने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि यह क्षेत्र घनी आबादी वाला नहीं है। नंबर 9 पर है स्वीडन। स्वीडन यूरोप में स्थित हजारों कोस्टल आइलैंड, फॉरेस्ट, ग्लेशियरेटेड माउंटेन और अंतरदेशीय झीलों वाला देश है। ठंड की बात करें तो फरवरी स्वीडन का सबसे ठंडा महीना होता है, जिसमें टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस से लेकर -22 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतना ही नहीं, उत्तरी स्वीडन में विंटर के महीनों अक्सर तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिस कारण यहाँ इन दिनों जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्वीडन का अब तक का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वह है -53 डिग्री सेल्सियस, जो कि 23 दिसंबर 1941 को मोनजेविक लैपलैंड में नापा गया था। नंबर 8 पर है फिनलैंड। फिनलैंड भी एक ज्ञात ठंडा देश है, जहाँ भारी बर्फबारी होती रहती है और सर्दियों के मौसम में कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ता है। स्वीडन की तरह फिनलैंड में भी तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसे में सामान्य दिनचर्या को निभाना काफी असंभव हो जाता है। उत्तरी फिनलैंड में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और अस्थायी रूप से सभी जगहों पर बर्फ की चादर बिछी होती है। नंबर 7 पर है मंगोलिया। मंगोलिया सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट में स्थित एक छोटा सा देश है। यह रूस और चाइना के बॉर्डर से घिरा हुआ है। मंगोलिया में सर्दियां न केवल बर्फ और हवाएं लाती है बल्कि तापमान को -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ले जाता है। खासकर जनवरी और फरवरी के महीनों में यहाँ सर्दी अपने भयंकर वाला ठंड दिखाती है, जो हर किसी को घर में रहने को मजबूर कर देती है। यह टेम्परेचर का रेंज -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और मंगोलिया में अब तक का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। नंबर 6 पर है आइसलैंड। जैसे कि इस कंट्री के नाम से ही पता चलता है कि वहाँ ठंड कितनी हो सकती है। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा प्यारा सा देश है, जहाँ जाना हर किसी का शौक होता है। यहाँ पर सामान्य तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और बेहद ठंडी के मौसम के दौरान तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ पर गर्मियों में भी तापमान कम ही रहता है, क्योंकि आइसलैंड नॉर्थ पोल के पास है, जिस कारण यहाँ पर धूप सीधी न पड़कर तिरछी ही पड़ती है। नंबर 5 पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 50 राज्यों की मिलाकर अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी जलवायु परिस्थितियों में सबसे अधिक विविधता है। अमेरिका दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जहाँ सबसे अधिक गर्मी भी पड़ती है और सबसे अधिक ठंडी भी पड़ती है। अमेरिका का अलास्का पृथ्वी के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है, जहां औसत परिस्थितियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और चरम सीमा में तो यह और भी खराब हो जाता है। अलास्का अमेरिका के सबसे उत्तर में है
और साउथ पोल के पास है, इसलिए यहाँ हमेशा भारी बर्फबारी ही होती रहती है। नंबर चार पर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कोल्डेस्ट कंट्री के इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। यह रूस के बॉर्डर से सटे एक स्वतंत्र देश है और समान जलवायु साझा करता है। यह देश कई पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। यहाँ सालों भर बारिश के साथ साथ बर्फबारी होती रहती है, जो लोगों को रहने के लिए सबसे कठिन बना देती है। यहाँ विंटर में औसत तापमान -7 डिग्री सेल्सियस से लेकर -9 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं अधिक ठंड होने पर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाती है। कजाकिस्तान का सबसे लोएस्ट तापमान -57 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नंबर तीन पर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का जैसा नाम है वैसा यह दिखता नहीं है, बल्कि यह इसकी विपरीत दिखाई देता है। यहाँ कोई हरियाली नहीं है, बल्कि यहाँ 2-2 किलोमीटर मोटी बर्फ की आइस शीट है। गर्मियों के मौसम में यहाँ 22 घंटे धूप होती है, फिर भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। और सर्दियों की बात ही क्या की जाए, सर्दियों में यहाँ एवरेज टेम्परेचर -9 डिग्री सेल्सियस तक होता है और भीषण ठंड होने पर यह -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ग्रीनलैंड में सबसे कम तापमान अभी तक -66 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। नंबर दो पर है रसिया। रसिया दुनिया के सबसे ठंडे देशों में दूसरे स्थान पर है। अत्यंत गर्मी के दौरान भी यहाँ तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। और कठोर सर्दियों की बात ही क्या की जाए, कठोर सर्दियों में तो तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। रूस का उल्मियाकोन धरती का सबसे ठंडा निवास स्थान है। यहाँ दर्ज किया गया सबसे कम तापमान -67 डिग्री सेल्सियस है, जो कि अंटार्कटिका को छोड़कर किसी भी जगह से सबसे कम है। रशिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ सिर्फ 2 महीने ही गर्मी होती है, बाकी के महीनों सर्दी ही होती है। जब बर्फ गिरती है तो सारे के सारे नदी नहर और लेक से फ्रीज हो जाती है और लोगों को घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। नंबर एक पर है कनाडा। दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट कंट्री की बात आती है तो कनाडा का नाम सबसे पहले आता है। यह उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तर में स्थित है और नॉर्थ पोल के समीप है, जिस कारण से कनाडा में सालों भर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और विंटर में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ की सर्द हवाएं भारी बर्फबारी लाती है और कनाडा को चारों ओर से बर्फ से ढक देती है। कनाडा ग्रीनलैंड का पड़ोसी देश है और इतने ठंड होने के बावजूद भी यहाँ हरियाली रहती है। अमेरिका के साइड जीवन सामान्य होता है, पर इसके नॉर्थ भाग में जीवन जीना बिल्कुल आसान नहीं है। तो गाइस, ये थी दुनिया के टॉप 10 कोल्डेस्ट कंट्री। इसके अलावा भी और भी कई देश है जो कोल्डेस्ट कंट्री के लिस्ट में आते हैं, जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, लेटविया, चाइना, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, नॉर्थ कोरिया आदि। और सबसे जो ठंडा है वो तो अंटार्कटिका है ही। अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, जहाँ तापमान औसतन -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह सबसे जो कम तापमान अब तक रिकॉर्ड किया गया है वह है -89 डिग्री सेल्सियस, जो कि धरती का सबसे कम तापमान है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अपना प्यार स्नेह हमें जरूर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाते रहें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।